नमस्कार, न्यूज कनेक्ट पर आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल से सुरक्षित निकाले गए सभी 41 मजदूरों को 15 से 20 दिन की छुट्टी और 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सभी मजदूर स्वस्थ हैं और अस्पताल से छुट्टी के बाद अपने अपने घर जा सकेंगे। धामी ने उनके लिए आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। इसी बीच रेस्क्यू मिशन के बाद वापस देहरादून लौटे मुख्यमंत्री का स्वागत गुलाब के फूलों से किया गया। गुजरात के सूरत में केमिकल प्लांट के एक स्टोरेज टैंक में धमाके के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 24 मजदूर घायल हो गए। आग बुझाने के काम में फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियों को लगाया गया। देर रात लगी इस आग को सुबह तक बुझाया जा सका। ऑनलाइन पेमेंट में फर्जीवाड़े के केस तेजी से बढ़ते देख केंद्र सरकार यूपीआई पेमेंट में एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। अगर किसी को आपको पहली बार यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करने हैं या पेमेंट करना है जिसकी राशि 2000 रुपए से ज्यादा है तो उसमें 4 घंटे तक का वक्त लगेगा। मुमकिन है कि इसकी वजह से दिक्कतें आएंगी। पेमेंट हुआ या नहीं हुआ इसका आपको 4 घंटे बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि साइबर सेफ्टी को देखते हुए ये जरूरी हो गया है। सरकार ने अभी इसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई, इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी आईएमपीएस और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस में लागू करने का प्रस्ताव बनाया है। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे। वर्ल्ड कप फाइनल के साथ ही द्रविड़ का 2 साल का कार्यकाल खत्म हो गया था। इसके बाद बोर्ड और द्रविड़ की बातचीत हुई और ये तय हुआ कि द्रविड़ कम से कम T20 वर्ल्ड कप तक टीम से जुड़े रहेंगे। T20 वर्ल्ड कप जून में खेला जाएगा। द्रविड़ के साथ साथ पूरे भारतीय कोचिंग स्टाफ के कार्यकाल को बढ़ाया गया है जिसमें बैटिंग कोच विक्रम राठौड़, फील्डिंग कोच टी दिलीप और बॉलिंग कोच पारस शामिल हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। एक फेसबुक अकाउंट से सलमान को ये धमकी दी गई है। अकाउंट पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर भी लगी हुई है। मुंबई पुलिस ने इसके बाद सलमान की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी है। पिछले हफ्ते पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को भी लॉरेंस गैंग से धमकी मिल चुकी है। पुलिस मामले की जाँच में फिलहाल जुटी है।